NBW तमिल करने वाली निरीक्षक श्रीमती रजनी द्विवेदी की तमिला रिपोर्ट न्यायालय में उपस्थित पेश किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह दबिश देने गई थी। दबिश में बताए गए पते पर जो है यह पर्दा उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। फिल्म अभिनेत्री से नेता बनी जयप्रदा की जमानतियों की जमानत राशि जब्त की, अदालत में कार्रवाई हुई शुरू। छठी बार NBW हुआ जारी। मशहूर फिल्म अभिनेत्री से राजनेता बनी जयप्रदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में रामपुर की MPML कोर्ट ने उनके नाम छठी बार गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए पूर्व सांसद जयप्रदा की जमानत लेने वाले जमानतियों की बंद राशि को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। अगली तारीख 25 जनवरी 2024 तय कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या जयप्रदा इस बार भी अदालत में हाजिर होती हैं या फिर अदालत कोई कड़ा आदेश पारित करती है। इस पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी क्या कुछ बता रहे हैं, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज जयप्रदा की जो पत्राली 2/37/19 और 59/19 थाना कैमरी और सवार के जो चुनाव आचार संहिता से संबंधित मामला है लगी थी। पिछली तिथि को माननीय न्यायालय के द्वारा NBW जारी किया गया था। NBW तामिल करने वाली निरीक्षक श्रीमती रजनी द्विवेदी की तमिला रिपोर्ट न्यायालय में उपस्थित पेश किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह दबिश देने गई थी। दबिश में बताए गए पते पर जो है यह पर्दा उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जयप्रदा के अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं श्री यादगर अली, वो आदि उपस्थित आए थे। उनके द्वारा अस्त्र प्रार्थना पत्र हाजिर माफी के सहित प्रस्तुत किया गया था। हमारे द्वारा विरोध किया गया कि चूँकि ऑलरेडी पहले NBW रिकॉल प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है, रिविजन खारिज हो चुका है, तो यह प्रार्थना पत्र पोषण नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है और पुनः NBW जारी किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, और जयप्रदा और उनके जमानतदारों का बंद पत्र जब्त करने की कार्रवाई करने के लिए धारा 446 CRPC का प्रक्रिया बार दर्ज किया गया है। पत्रावली 25 जनवरी के लिए नियत की गई है। सर, कितने NBW जारी हो गए अब तक जयप्रदा को? ये पाँचवीं बार है। पाँचवीं बार, छठी बार सर? जमानतदारों द्वारा और अभियुक्त द्वारा, वो जो बंद पत्र देते हैं 20,000-25,000 जो भी, तो अगर नहीं आएंगे तो जब्त, तो उसी की कार्रवाई के लिए 446 CRPC की कार्रवाई होती है। ठीक है, तो बंद पत्र जो उन्होंने निष्पादित किया वो जब्त करने की कार्रवाई। अगली तारीख 25 जनवरी। हाँ, 25 जनवरी।